एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बनियाखेड़ा में स्थित कोकावास गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने निसार अहमद को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 5500 की आबादी व 1900 वोटर वाले इस गांव की ब्लॉक से दूरी 6 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 26 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 20 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ गांव में 12 सीसी राइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान निसार अहमद, ग्राम पंचायत कोकावास, विकास खंडा, जिला संबल। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में ईंट के खरंजे, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड 30 से 40 सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई थी और लगभग 35 से 40 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई थी। स्कूल में सीसी टायर्स का निर्माण कराया गया और गांव में 21 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। इसके बाद शौचालय निर्माण लगातार जारी है, 200 शौचालय बन चुके हैं, अभी 150 शौचालय की आवश्यकता और है, इससे हमारा गांव ODF हो सके। और हमारे ग्राम पंचायत के लिए 2 महीने और लगते हैं, पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी टंकी आवश्यकता है। ग्राम कोकावास में विद्युतीकरण की समस्या है, उसमें अभी तक ना तो कोई विद्युत जुड़ा हुआ है। अब से 15-20 साल पहले खंभे लगे हैं, उन पर तार अभी तक नहीं पड़ा है। कुछ खंभों की भी आवश्यकता है, उन पर तारों की आवश्यकता है। 3 गांव लगते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, उसके लिए पानी टंकी की ज़रूरत है, स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है और इंटर कॉलेज की ज़रूरत है। पानी की क्या व्यवस्था कमी कभी चल रही है आपके यहाँ? पानी की कमी ये है साहब, हमारे ग्राम पंचायत में पानी टंकी होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे तीनों गांवों के लिए पानी की पूर्ति हो सके। वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है, हैंड पंपों में बार बार दिक्कत आती है, कभी रिबोर कराने पड़ते हैं, 3 नल इस बार भी रिबोर करा चुके हैं और जितनी धनराशि हमारे पंचायत के लिए आई थी वो हमने सही ढंग से सही जगह इस्तेमाल किया गया है, शायद आपने देखा भी होगा। विकास की हमारा यही उद्देश्य रहता है कि किसी के हर किसी के दुख सुख में हम काम आए, चाहे बेटियों की शादियाँ हों या किसी बीमारी को लेकर हो या किसी वैसे थाने वाने को लेकर हो, हम आधी रात आदमी के लिए तैयार रहते हैं, अपनी प्रजा के लिए तैयार रहते हैं, जनता के लिए तैयार रहते हैं। चाहे तो हमारे गाँव में जाकर पूछ सकते हैं आप। और ये हमारा सौभाग्य है, जनता की पूरी पूरी कोशिश ये है कि दोबारा प्रधान हमें बना के भेजा है। हम आगे प्रधान रहें ना रहें, लेकिन हम जनता के बीच काम बराबर करते रहेंगे, ठीक है। वो जनता की मर्जी रही कि आगे क्या करेगी, क्या संदेश देगी। मैं हिदायत अली, मैं कोकावास का नागरिक। ये रास्ता बहुत मतलब ख़राब था, पहले बहुत खस्ता हाल था, इसका निकलने में काफ़ी गाँव वालों को परेशानी हो रही थी। उस परेशानी को प्रधान जी ने देखते हुए ये रास्ता मतलब सही कराया और डलवाया, ये नया रास्ता डलवा दिया। और भी गांव में अन्य गांव में रास्ते पड़े हुए हैं, प्रधान जी हमारे गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को यहां की जो जनता है वो मतलब अच्छा बताती है। मैं खुशी मोहम्मद, ग्राम पंचायत कोकावास का रहने वाला हूं। मेरे गांव के विकास के बारे में आप मुझसे जो जानकारी ले रहे हैं, मैं उस जानकारी के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे गाँव के
प्रधानी से पहले बहुत खस्ता रास्ते थे, जो कि प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी रास्ते सही कराए हैं। इंटरलॉकिंग भी हुए हैं और ईंट वाले खरंजे भी हुए हैं और सीसी टाइल भी हुए हैं और आग गली और बहुत सारे मोहल्लों में गली कुछ रास्ते सही हुए हैं। और हमारे यहाँ पानी की टंकी की काफ़ी परेशानी है, जो शुद्ध और बिजली की भी परेशानी है। खंभे आ चुके हैं, तार नहीं मिला अभी, और पानी में पानी की हमारे यहाँ नल बेकार हो चुके हैं, जिससे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ये रास्ता जो है ये मौजूदा प्रधान जी हैं इस टाइम, इन्होंने पढ़ा और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तभी बार बार ये प्रधान जी चुने।